सरकार के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सार्थक बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े निर्देशों के चलते जनपद स्तर पर चलाए जा रहे अभियान को सफलतापूर्वक सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा मेडिकल स्टोरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आपको बता दें, हैरानी की बात तो यह है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग व पुलिस दिन रात अभियान में जुटी है, बावजूद उसके क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना लाइसेंस ही मेडिकल खोल बैठे हैं। हालांकि ऐसे मेडिकल स्टोरों पर लाइसेंस न मिलने पर ताला भी ठोका गया। जिन मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, उनको सुचारू कराने हेतु निर्देशित किए गए। बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत आज एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देशन में शहर और देहात के 500 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोर से काफ़ी सारी पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाती रही है। हाल फिलहाल में भी ऐसे मेडिकल स्टोर का पता चला था कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाओं का बेचा जा रहा था, जिस पर भी NDPS के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चूँकि काफ़ी सारी गोपनीय सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी और जहाँ पर इतने सारे मेडिकल सेंटर्स मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, इसलिए इसमें पुलिस को सभी अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध या ऐसे मेडिकल स्टोर जहां पर चेकिंग करके जो उनके नियम है, खासकर उस नियमों में लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, दूसरा बी फार्मा या जो भी वहां आदमी बैठा हुआ है जो बेच रहा है दवाओं को वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, सारी शर्तें हैं, और जिसके उल्लंघन करके कहीं ना कहीं गलत रूप से प्रतिबंधित दवाओं को जो है छात्रों युवाओं को दिया जा रहा था। इस सूचना पर जब हमने गोपनीय सारी जानकारी करी तो संयुक्त टीम बनाकर सिटी और देहात में करीब 450 से ऊपर जो है मेडिकल स्टोर्स को रैंडम चेक किया गया था, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली। कुछ पर ऐसी त्रुटियां थी जो नियम विरुद्ध पाई गई और उनको जो है वो, और कुछ जगह ऐसे थे जो पुलिस की चेकिंग को देखकर मेडिकल स्टोर छोड़ के चले गए, तो जहां तक पूरी संभावना है कहीं ना कहीं वहां पर गलत एक्टिविटी हो रही थी या कुछ ना कुछ गलत था। चूँकि मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत जो है ड्रग कंट्रोलर या ड्रग इंस्पेक्टर ही है, तो उनको नियमानुसार पूरी जो आज की कार्रवाई की रिपोर्ट रही है वो उचित माध्यम से प्रेषित की जाएगी कि ऐसे गलत मेडिकल स्टोर या जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रतिबंधित दवाओं को नियमानुसार ना बेचकर वैसे बेचा जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करें और उस पर जो भी उनके नियमानुसार कार्रवाई लाइसेंस